सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां मुकम्मल हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अयोध्या पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और उनके स्वागत की तमाम तैयारियां पूरी है। आपको बता दें कि आज के दिन के इंतजार में सभी ने खूब जश्न मनाया है, देश भर में उत्सव का माहौल है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज अयोध्या में तकरीबन 4 घंटे तक प्रधानमंत्री रहने वाले। फिलहाल ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें हैं। प्राण प्रतिष्ठा का लम्हा आ गया है। स्क्रीन पर अयोध्या से ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि आज तकरीबन 4 घंटे तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रहने वाले। तो ये देखिए तैयारियां भरपूर की गई हैं और आज आखिरकार वो दिन आ गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। आज घर बैठे हम आपको खबर अभी तक के जरिए अयोध्या के दर्शन करा रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। राम मंदिर पर नॉनस्टॉप कवरेज लेकर आए हम आपके लिए। आकाश यादव लखनऊ से और अयोध्या से तमाम अपडेट हमें लगातार दे रहे थे। फिलहाल आकाश अयोध्या में मौजूद हैं। आकाश का रुख करेंगे यहाँ तमाम अपडेट्स के लिए। आकाश जरा बताइए तो किस तरह की तस्वीरें, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समय पे घर पहुंच चुके हैं। 10:55 पे राम नवमी पहुंचेंगे। ये धर्म पथ है, उसी मार्ग से होकर धर्म पथ को राम पथ को जाते हुए राम नवमी पथ में जाएंगे। राम नवमी परिसर के आसपास जितने भी लोग हैं, आम महाराष्ट्र या मुर्गा कर्मी थे, उन्हें बाहर धर्म पथ की तरफ भेजे तो राम पथ में पहुंचे। पूरी तरह से पुलिस कर्मी यहाँ जो अतिथि है वही जा पा रहे हैं। उस पर अगर हम देखें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से हमारा बहुत कल्याण हो सकता है, चाहे वो अपने संबंधों को निभाने की बात हो, चाहे अपने दायित्वों को निभाने की बात हो, अपने कर्तव्यों को निभाने की बात हो। भगवान श्री राम आज के लिए बहुत ही एक ये बहुत बड़ा क्षण मैं समझता हूँ। तो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आकाश आज तकरीबन 4 घंटे तक प्रधानमंत्री अयोध्या में गुजारने वाले हैं। मुहूर्त के बाद प्रॉपर तरीके से विधि विधान के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अभी बताइए आकाश, किस तरह की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं? कौन कौन से खास मेहमान पहुंच चुके हैं अयोध्या इस खास आयोजन का हिस्सा बनने के लिए? ठीक है आकाश, हम वापस रुक करेंगे आपका। फिलहाल हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। आज कई वर्षों का इंतजार पूरा होने वाला है। अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही घंटे रह गए। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में अब बहुत ही कम वक्त बाकी है। मुहूर्त का समय बिल्कुल नजदीक है।
रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हालांकि 16 जनवरी से ही शुरू हो गया था, अनुष्ठान किया जा रहा था लगातार 16 जनवरी से, और आज मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में हो रही है। वहीं से ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, थोड़ी ही देर में राम मंदिर पहुंचेंगे। राम मंदिर के गर्भगृह में मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है और अनुष्ठान तो लगातार 16 जनवरी से ही किया जा रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बेहद शुभ अभिजीत मुहूर्त चुना गया है। आपको भी बता दें कि आज सुबह शुरू हुआ है आज का खास कार्यक्रम मंगल ध्वनि के साथ। इस दौरान 50 वाद्य यंत्र बजाए गए और आज दोपहर 12:29:08 से लेकर 12:30:32 तक अभिजीत मुहूर्त, ये मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति की आंखों पर बंधा पीला कपड़ा खुल जाएगा और इसके बाद सभी श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। तो तमाम अपडेट दे रहे हैं हम आपको लगातार, शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त निकाला गया है, बेहतरीन मुहूर्त इसको कहा जाता है जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाला गया है। तस्वीरें देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले कार्यक्रम स्थल पर और फिलहाल आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए। सनातन संस्कृति के सबसे ऐतिहासिक पल हम आपको दिखा रहे हैं खबरें अभी तक के जरिए, ये तमाम अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर सीधे आप देख रहे हैं। तो आज दोपहर 12:29 पर 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री रामलला के नेत्रों की पट्टी खोलेंगे अभी तक की खबरों के मुताबिक। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए आज यानी 22 जनवरी का दिन संजीवनी मुहूर्त निकाला है। ये कालखंड की गणना की दृष्टि से भले ही महज 84 सेकंड का है लेकिन बताया जा रहा है कि 84 सेकंड के संजीवनी मुहूर्त में 84 लाख युवाओं की प्राण शक्ति समाही। तो तमाम अहम तस्वीरें अयोध्या से आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, देश के तमाम बड़े चेहरे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए अनिल अंबानी भी यहाँ पहुंच गए हैं, मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए यहाँ पहुंचे। तो इस वक्त की बेहद अहम तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। सनातन संस्कृति का सबसे ऐतिहासिक पल लेकर आए हम आपके लिए, मेहमानों के यहाँ पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार है प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, देश के तमाम बड़े चेहरे आज इस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पहुंचे। अयोध्या में फिल्मी सितारों का मेला भी लगा है, बॉलीवुड से फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़े चेहरे यहां पहुंचे। तो अहम तस्वीरें इस वक्त की अयोध्या से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आरती के समय सभी अतिथि मौजूद रहेंगे, आरती के समय सेना के हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे और अयोध्या में भगवान श्री राम का स्वागत किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का वक्त बिल्कुल नजदीक है, मुहूर्त जो निकाला गया था वो बिल्कुल नजदीक है। राम मंदिर परिसर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी के डिप्टी सीएम ये भी यहाँ मौजूद हैं। एक्टर अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी राम मंदिर परिसर में मौजूद हैं। देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम बड़े चेहरे भी यहाँ मौजूद हैं। हरियाणा से दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, ये सभी खास चेहरे यहाँ शिरकत करने के लिए पहुंचे। ये इधर देखो,
इस बीच आपको बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। तो राम भक्तों को बरसों से जिस लम्हे का इंतजार था उसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। शानदार स्तर पर, भव्य स्तर पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के अलावा देश विदेश से बड़ी संख्या में खास मेहमान आज अयोध्या पहुंचे हैं और इसी को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो तकरीबन 10,000 सीसीटीवी कैमरों से अयोध्या की निगरानी की जा रही है। रामनगरी में 13,000 पुलिस कर्मियों का कड़ा पहरा है। इस वक्त पूरी अयोध्या नगरी को छावनी में तब्दील किया गया है। सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली गई है। अयोध्या जाने वाले मार्गों पर डायवर्जन किया गया है। कंट्रोल रूम से सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और अयोध्या के आसपास के जिलों में पीएसी कंपनियां रिजर्व रखी गई है। साथ ही एंटी माइन और एंटी ड्रोन सिस्टम से लैस उपकरण भी लगाए गए। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और साधु संतों का अभिवादन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों के अभिवादन के बाद मंदिर में तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद सीएम योगी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उन्होंने यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एसपीजी की टीम ने सुरक्षा के मद्देनजर मोर्चा संभाला हुआ है और अयोध्या वासियों से अपील की गई कि वो आज 2 बजे तक वाहन लेकर समारोह स्थल के आसपास न आए। मंगल ध्वनि का आयोजन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से किया गया है और इसमें हमारा सहयोग किया है संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने, उनके पदाधिकारियों ने, उसके अध्यक्ष संगीता भी पूरी चर्चा में। ये अवधारणा मंगल ध्वनि की सारे आरती के समय सभी मेहमानों के हाथ में घंटी होगी, जिसे आरती के वक्त सभी मेहमान बजाएंगे। आरती के समय सेना के हेलीकॉप्टर अयोध्या में पुष्प वर्षा करेंगे और परिसर में 30 कलाकार अलग अलग भारतीय वादों का वादन करते रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए कैलाश खेर भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुत उत्साह है, हम ऐसा लगता है कि देवलोक से हमें निमंत्रण मिला। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त तो रामलला को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी काजल लगाएंगे, उन्हें वस्त्र भी पहनाएंगे और श्री रामलला के नेत्र पर लगी पट्टी हटाएंगे। पीएम मोदी भगवान राम को सोने के वस्त्र पहनाएंगे। पीएम मोदी मुख्य पूजा के बाद रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा और एक खास मुहूर्त जो है अभिजीत मुहूर्त इसे कहा जा रहा है, वो निकाला गया है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जश्न का माहौल है, एक राष्ट्रीय उत्सव बना है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का ये खास कार्यक्रम। आपको तमाम अपडेट हम दे रहे हैं कि करके अयोध्या से सीधी तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो शुभ मुहूर्त में सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट और 26 सेकंड का वक्त बाकी है। उस दौरान सभी खास मेहमान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। आरती के वक्त सभी मेहमान यहां मौजूद रहेंगे और सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। अयोध्या दर्शन आपको दिखा रहे हैं, लगातार अयोध्या दर्शन करवा रहे हैं आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की। तमाम अहम और सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री यहां पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने स्वागत किया एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री का और जबरदस्त अंदाज में प्रधानमंत्री का इस्तकबाल किया गया। राम भक्ति में डूबा है पूरा देश आज
प्राण प्रतिष्ठा समारोह की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। बड़ा प्यार लगा, बहुत मोहब्बत लगा, सबने प्यार दिया। और भगवान के मंदिर आए तो कैसे लगता है इंसानों को, यहाँ तक बुला लिए, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम तो चाहते हैं कि सब जूते निकाल कर आए तो और अच्छा है। एक्टर जैकी श्रॉफ को आपने सुना, बेहद खुशी का इजहार किया उन्होंने भी। जाहिर सी बात है पूरे देश में आज जश्न का माहौल है। उन्होंने कहा कि बड़ी बात है कि राम जी की तरफ से उनके लिए भी बुलावा आया है। तो ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें और राम मंदिर पर नॉन स्टॉप कवरेज आपके टीवी स्क्रीन पर। खबरें अभी तक के जरिए हम लेकर आए हैं, हर लम्हे के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम साथी अयोध्या में मौजूद हैं जो हमें हर लम्हे के अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा है, अयोध्या दर्शन आपको हम करवा रहे हैं लगातार खबरें तक स्क्रीन के जरिए। फिलहाल सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, ये देखिए बॉलीवुड के दिग्गजों का भी जमावड़ा लगा है। कैटरीना क्या आप नजर आ रही हैं अपने पति के साथ? ये देखिए तस्वीर, बॉलीवुड के कई अहम चेहरे आज यहाँ इस खास समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। सनातन संस्कृति के सबसे ऐतिहासिक पल लेकर आए हम आपके लिए, ये तमाम अहम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं आप तक। अयोध्या पर नॉन स्टॉप कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में आज। तेलुगु और हिंदी फिल्मों के दिग्गज एक्टर चिरंजीवी भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए हैदराबाद से अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि एक दुर्लभ अवसर। उन्होंने कहा कि देवता भगवान हनुमान ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। तो पीएम मोदी अयोध्या एयरपोर्ट पहुंच गए, उनके स्वागत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे और अब थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज 12:29 से 12:30 तक 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है। पीएम नरेंद्र मोदी समेत सभी यजमानों के लिए पूजा की खास तैयारी की गई है। सुबह से ही 121 वैदिक पुरोहित रामलला के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। हालांकि अनुष्ठान 16 जनवरी से ही शुरू कर दिया गया था जो आज प्राण प्रतिष्ठा के साथ मुकम्मल होगा। इस बीच आपको बता दें कि सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे अयोध्या, क्योंकि उनकी सेहत को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। इससे पहले भी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बुजुर्गों से कार्यक्रम में शामिल नहीं होने की अपील की थी। हालांकि आडवाणी अयोध्या आने को तैयार थे, लेकिन उनकी सेहत को देखते हुए और ज्यादा ठंड को देखते हुए वो अब अयोध्या नहीं आएंगे। तो रौनक बनी हुई अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे शहर में राम धुन बजी है।
और सरयू के किनारे भगवा ध्वजों के साथ राम सिया राम की धुन से माहौल बना। आज हम अयोध्या नगरी में आए हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी पौराणिक काल में पहुंच गए हों, जहां पे हम लोग सुनते थे अद्भुत कथाएं कि कैसे कैसे बड़े बड़े हवन हुआ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे, जहां पे देव गंधर्व सारी सृष्टि से जो है वो आया करते थे। उस तरह का ये एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक सा एक एक्सपीरियंस लग रहा है। और जहां तक हम विकास की बात करें, जो योगी जी की सरकार है उन्होंने पूरी काया पलट दी है उत्तर प्रदेश की, क्या हुआ करता था पहले और अब क्या हो चुका है। और आई थिंक ये जो हमारे जो वेटिकन सिटी को जाना जाता है रोम की, उससे भी बहुत आगे अयोध्या जो है पूरे विश्व में क्या होने वाली है, डेवलपमेंट को ही ना लेके सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को लेके। और हमारे जो आइकॉन है रामलला, वो बहुत पूरी दुनिया का जो है मार्गदर्शन करने वाले हैं। घर बैठे अयोध्या के दर्शन करा रहे आपको राम मंदिर को लेकर भारत ही नहीं विदेशों में भी रहने वाले राम भक्तों में बेहद उत्साह है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम का चित्र प्रदर्शित किया गया है और इस दौरान भारी संख्या में राम भक्त वहां एकत्रित हुए। उन्होंने हाथों में भगवा ध्वज लेकर राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी जताई। इस बीच भारत में इसराइल के राजदूत नाउर गिलो ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने हिंदी में ट्वीट करके लिखा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दुनिया भर के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। मैं अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए उत्सुक हूं। यकीनन वो मेरे पास मौजूद इस मॉडल से भी ज्यादा भव्य और सुंदर होगा। एक मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया। तो अयोध्या से इस वक्त की बिल्कुल सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सनातन संस्कृति के सबसे ऐतिहासिक पल लेकर आया हूं आपके लिए। खबरें अभी तक के स्क्रीन के जरिए तमाम अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह का माहौल है। लगातार ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। बस कुछ ही लम्हे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। अयोध्या एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया और जल्द आपको तस्वीरें दिखाएंगे जैसे ही प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। अयोध्या से ये सीधी तस्वीरें देखिए आप। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बेहद खास तैयारियां की गई। तो एरियल शॉट भी हमने आपको दिखाए। देखिए आप अयोध्या से तमाम अहम तस्वीरें। जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है और अयोध्या नगरी पूरी तरह से एक तरह के देवलोक में तब्दील हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि बेहद अलौकिक माहौल है यहां पर। राम मंदिर परिसर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां मौजूद हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले यहां पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और इस बीच अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। बहुत है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक से ही बुलावा आया है और परमात्मा ने बुलाया है और आज का दिन इतना शुभ है, आज की घड़ी इतनी शुभ है कि न केवल भारत में परंतु तीनों लोकों में उत्सव मन रहा है, न केवल मानव जाति में बल्कि समस्त जीव जंतुओं में उत्सव मन रहा है। पेड़ भी नाच रहे हैं, आप दंग हो जाएंगे। सामान्यतया फ्लाइटें डीले होती हैं लेकिन आज का दिन देखिए आप, कुदरत ने बिफोर लाके ऐसे पलट दी। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव कह रहे हैं मेरा बच्चा जा रहा है भगवान राम के अवतरण के लिए, मैं अपनी हथेली बढ़ा लेता हूँ, उसी पर उतार लेगा जहाज। तो ऐसे उतरवाया जहाज बाबा ने। सर कल आप हरियाणा में थे और रात हम हरियाणा में थे, रात भर जागे हैं, उसके बाद भी एक घंटा सो के भी ऐसा लग रहा है जैसे 100 घंटे सो के आए हूँ। सर वो कौन सा गाना था जिसपे लाखों लोग झूम उठे? अजी मैं तो राम ही राम।
हजूरी मेरे राम राम ही पार लगाएंगे। अर जल थल गगन मंडल मेरा राम ही पार लगावेंगे, राम ही पार लगावेंगे। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और मेरे साथ है मेरे मित्र टाइगर श्रॉफ और हम दोनों की तरफ से आप सबको जय श्री राम। आज का दिन पूरी दुनिया में बसे राम भक्तों के लिए बहुत 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 बड़ा दिन है। कई सौ सालों की प्रतीक्षा के बाद यह दिन आया है कि रामलला अपने घर अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में आ रहे हैं। और हम सब ने बचपन से इस बारे में इतना कुछ सुना है, पर आज इस दिन को होते हुए देख पाना, इस दिन को जी पाना बहुत बड़ी बात है। और हम वेट कर रहे हैं उस घड़ी की जब हम दीप जला के श्री राम का उत्सव मनाएंगे। हम दोनों की तरफ से आपको और आपके परिवार को सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम। तो देखिए, फिल्मी सितारों के भी शुभकामनाएं देने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं, रोम रोम प्रफुल्लित है पूरा वातावरण, पूरे ब्रह्मांड में इस समय सब लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। और ये हम लोगों के जीवन काल में ये अविस्मरणीय पल हम लोगों को देखने के लिए मिले, इसलिए मैं अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दंडवत प्रणाम करता हूं। वर्षों का संघर्ष रहा है सर, और उसके 500 से अधिक वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है और ये सब प्रभु की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फूलों से सजी है अयोध्या नगरी, जन्मभूमि पथ से लेकर राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ की अलौकिक तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश के तमाम दिग्गज आज अयोध्या में जुटे हैं और तमाम अहम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सांस्कृतिक नृत्य और वादन के माध्यम से विभिन्न जगहों पर प्रदेश के साथ साथ देश भर की परंपराओं और कला का समागम हो रहा है। हर तरफ भगवान राम के भजन सुनने को मिल रहे हैं। हिंदू समाज बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन देश का हर तबका, हर मजहब के लोग आज के इस खास दिन पर खुश है। अयोध्या में कई वीआईपी मेहमान मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए, साउथ के शानदार एक्टर भी खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या की तस्वीरें बनाई गई। हेलीकॉप्टर से अयोध्या का वीडियो बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच गए और किसी भी लम्हे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे। हमारे साथी करण जयसिंह हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। करण, पिछले कई दिनों से लगातार आपके जरिए हम तमाम अहम तस्वीरें अयोध्या से अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आज वो दिन आ गया है जिसका पूरे देश को इंतजार था। करण, जरा बताइए तो अभी किस तरह का माहौल है? प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द कार्यक्रम स्थल पर भी होंगे। करण, बिल्कुल मुमताज, सच दस कर तैयार है अयोध्या धाम और कुछ ही देर में श्री राम पधारने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुभारंभ होगा। देखिए, जिस तरह से वीआईपी जो हैं उनका लगातार पहुंचना जारी है, बिग बी अमिताभ बच्चन मंदिर में पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं, अनिल अंबानी मंदिर में पहुंच चुके हैं, तमाम वो इन्वाइटिव जिनको इन्वाइट दिया गया था, जो अतिथि हैं आज के, वो अतिथि मंदिर में पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन इस वक्त मैं धर्म पथ पर मौजूद हूं अयोध्या नगरी में और धर्म पथ का नजारा आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि धर्म पथ पर किस तरह का नजारा है। देखिए, धर्म पथ पर दोनों ओर, क्योंकि आज लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, लेकिन दोनों ओर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वे ऐसे मंच लगाए गए हैं, इन मंचों के माध्यम से भारत की संस्कृति और जो भारत के जो कलाकार हैं, जो नृत्य कलाकार भारत के अलग अलग कोने से आते हैं, उनको मंच दिया गया है और इस मंच के माध्यम से मनमोहक गीत और नृत्य जो दिखाई दे रहा है वो सबका दिल भी जीत रहा है, क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं
जो अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनको राम पथ पर नहीं जाने दिया गया है, उनको धर्म पथ पर ही रोक दिया गया है। और जो लोग राम पथ पर नहीं पहुंच पाए हैं वो धर्म पथ पर इस तरह के जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसका आनंद ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू होगा और प्रधानमंत्री मंदिर में पहुंचेंगे। और उसके बाद सभी को इंतजार है उस क्षण का, सभी को इंतजार है उस इतिहास का जो आज बनने जा रहा है। 500 बरस बाद, 500 वर्षों बाद आज ये इतिहास बनने जा रहा है और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है सबको, बस कुछ ही लम्हे में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं कार्यक्रम स्थल पर। कितना और इंतजार है उनके यहाँ पहुंचने में? देखिए, किसी भी वक्त प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं मंदिर प्रांगण में, और जो अतिथि हैं वो तो पहुंच ही चुके हैं क्योंकि 10:30 बजे तक समय रखा गया था, अतिथियों को बोला गया था कि 10:30 बजे तक वो मंदिर प्रांगण में पहुंच जाएं, जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है वहां पर वो पहुंच जाएं। और अतिथियों के साथ साथ अब क्योंकि VIP जो है वो जुड़ गए हैं, उनके लिए तमाम तरह की सुविधा जो है वो दी गई है उनको, और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो अभी भी अयोध्या में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं 23 तारीख का। कुछ साधु संत हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहाँ से आए हैं? हरियाणा, जमुना नगर। हरियाणा से आप पहुँचे हैं, कैसी लग रही है अयोध्या? अयोध्या दिव्य अयोध्या है, भव्य अयोध्या है, सब अयोध्या आनंद है। 500 वर्ष पुराना सपना आज साकार हो रहा है, ये परमात्मा की पावन कृपा हुई है हम सबके जीवन में, इस भारत भूमि विश्व के लोगों के ऊपर ये पावन कृपा हुई है कि ये उत्सव और ये खुशियाँ ये बार बार नहीं आई। कितने सदियों से इंतजार करते 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 संत महात्माओं ने तपस्या किया और उसका फल आज कुछ क्षणों बाद ही उसका स्थापना होने वाली है मंदिर की। और हम लोग कुल्लू मनाली हिमाचल से आए, इसी तरह से भांति भांति जगह से संत महात्मा इस भूमि पर पधारे हुए, अपने अपने स्थानों में उत्सव मना रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। हरियाणा से आए हैं ये, हिमाचल से, कुल्लू से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? काशी से। काशी से, तो आप तो इस देख रहे हैं अयोध्या को? अयोध्या का अब यहाँ की खुशी का कहा नहीं जा सकता है, और ऐसी खुशी कि 1000 वर्ष पुरानी जो है आज खुशी देखा जा रहा है। और इस कलयुग में सतयुग को आना और योगी और मोदी जैसा ऐसा नेता हमारे देश के लिए बहुत गौरव का नेता है, और हमारे राम लला को प्राण प्रतिष्ठित किए बहुत बहुत खुशी हो, और हमारे विश्व का गुरु बन चुके हैं हमारे राम लला का जो है स्थापना करके, ये बहुत बड़ा काम किए हैं, जो हमारे विश्व में ऐसा कोई नेता ही नहीं आया जो स्थापना कर सके, इनके राज में आने से बहुत खुशी हुआ। और ऐसे से हमारे सब संत महात्मा लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। देखिए, संत महात्मा आशीर्वाद भी दे रहे हैं PM और CM को, आप कहाँ से हैं महाराज? हम राजस्थान शाहपुरा जिला से। कैसे लग रही है अयोध्या? अयोध्या नगरी तो बहुत परिवर्तन में है, और लगने की अगर बात कहूँ तो जहाँ राम जी विराजमान हो फिर वहाँ लगने जैसी लहती नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो राम राज्य की कल्पना की और राम राजा आज बने थे पहले भी, लेकिन आपने उस चीज़ों को भी देखा है टेंट में रह करके, लेकिन आज उनका दरबार लगा है। तो आज जब राम जी का दरबार लगेगा तो फिर क्या कहना है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सारा हर्षित लोक है। और हम अपने राम से क्या, आज आप कहाँ कहाँ से आपके मीडिया के माध्यम से सभी तो 140 करोड़ देशवासियों को हम सहृदय से धन्यवाद देते हैं, और उस महापुरुष को भी कहते हैं कि जिन्होंने संघर्ष करके, और कौन की एक शताब्दी नहीं बीती, 5 शताब्दियाँ बीत गई, और हमारे जो पूर्वज थे जैसे आपके कर्पात्री जी महाराज, हमारे जो है रामचंद्रदास जी महाराज, परमहंस जी, और वो सब महापुरुष के आज जो संघर्ष उन्होंने किया है, जिन महापुरुषों ने संघर्ष करके यहाँ तक लाए और फिर यहाँ तक लाने के बाद में आज विराजमान, हाट से रामलला विराजमान होंगे, ये अपनी नहीं, उन महापुरुषों की जो त्याग और तपस्या और आज के जो परिवर्तमान में है उनकी लगन यहाँ तक लेकर के आया है, इसकी आगे तो आनंद ही आनंद है। और हम तो यही चाहते हैं, इस संदेश में पूरे विश्व में जा रहा है कि आपका राम राज्य कैसा है, उसी क्षण पता चल जाता है जब देश, भारत वर्ष के देश के कोने कोने से संत महापुरुष
जो भी जहाँ भी हैं, निमंत्रण मिला तो ठीक है, वीआईपी कोटा में हैं तो ठीक है, नहीं भी हैं, जनरल भी पैदल हजारों किलोमीटर कोई चरण पादुका लेकर के, कोई राम इच्छा से उनके लिए घंटा लेकर के, कोई अगरबत्तियां लेकर के, आज किसका संदेश है बाबू जी, किसके लिए ला रहे हैं? और ऐसे ही जब राम जब बैठ, आप जानते हैं जब कोई राजा महाराजा बैठ जाता है तो उसके लिए भेंट लाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं दिया है राम जी ने तो कहते हैं हम अपने सर्वस्व को समर्पण करने आ गए। देखिए ये भाव है, और बिल्कुल सही बात कही इन्होंने कि कोई से अगरबत्ती आ रही है, कहीं से चांदू की पादुका आ रही है, और अनेकों उपहार रामलला के लिए आ रहे हैं। देश भर से अलग अलग कोनों से हमने देखा कि कैसे उपहार जो है रामलला के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुमताज अब इंतजार उस क्षण का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे और गर्भगृह में, क्योंकि वो पूजा अर्चना होनी है विधि विधान से, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा और उसके लिए अब इंतजार किया जा रहा है। करण, हम देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के भी कई दिग्गज यहां पहुंचे हैं, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के भी कई अहम चेहरे इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, जैकी श्रॉफ नजर आए, चिरंजीव भी यहां पहुंच रहे हैं, कटरीना कैफ भी नजर आई हैं यहां पर इस खास कार्यक्रम में, कंगना रनौत की तस्वीरें भी हमने देखी। कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है करण आज का दिन। बिल्कुल मुमताज, नेता अभिनेता साधु संत तमाम वो लोग जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको न्योता मिला था, वो तमाम लोग इस इतिहास के साक्षी बनने के लिए अयोध्या पहुंच गए हैं। देखिए इतना बड़ा उत्सव है, कहा जा रहा है कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्सव हो रहा है, और इस उत्सव को देखने के लिए लोगों में तो उत्साह है ही है, लेकिन राजनेता अभिनेता और जो कोई जिनको निमंत्रण दिया गया है वो भी अपना समय निकालकर अयोध्या पहुंचे हैं, और सभी का प्रयास यही है कि वो रामलला से आशीर्वाद लें, क्योंकि रामलला 500 बरस बाद आज मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, और जब गर्भगृह की पूजा होगी तो उसके बाद तमाम जो अतिथि हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, और अब क्योंकि सभी का पहुंचना जारी है लेकिन इंतजार प्रधानमंत्री का है। जैसे ही प्रधानमंत्री मंदिर प्रांगण में पहुंचेंगे उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, और सभी को 140 करोड़ देशवासियों को, और साथ ही जो विदेश में बैठे हैं, क्योंकि विदेशों में भी अलग अलग देशों में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, 60 से ज्यादा देशों में आयोजन हो रहे हैं, लंदन में सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है, तो विदेश के लोग की निगाहें भी अब अयोध्या पर टिकी है, और इंतजार है उस क्षण का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा। साईगा करण, आपने विदेशों में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर भगवान श्री राम की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है, वहां पर भी राम भक्तों का जमावड़ा लगा है। करण, हालांकि तमाम अपडेट आपने हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाए हैं, लेकिन आज जबकि खुद आयोजन का दिन है, जबकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, और मुहूर्त में बस कुछ ही वक्त बाकी है, सिक्योरिटी के हवाले से हम जरूर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को करण, किस तरह की सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं आज पूरी अयोध्या नगरी में। देखिए मैं इस वक्त धर्मपथ पर मौजूद हूँ, मीडिया को भी अब आगे जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कल हम लता चौक पर मौजूद थे, लता चौक से रामपथ का रास्ता गुजरता है, उस रामपथ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, और किसी को भी अयोध्या नगरी में प्रवेश करने की अनुमति अब नहीं दी जा रही है, जो भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको धर्मपथ पर ही रोक दिया गया है, इससे आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, साथ ही वाहनों की एंट्री पूरी तरह से अब बंद कर दी गई है, अलग अलग पार्किंग बनाई गई है, और उस पार्किंग में जिनके पास पास है वही जो अपनी गाड़ी है वाहन है वो खड़ा कर सकते हैं। 10,000 सीसीटीवी कैमरे पूरी अयोध्या नगरी में लगाए गए हैं, और आसमान से लेकर जमीन तक पुलिस की पहली नजर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी हुई है, 13,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। Oh, my God.
सिया राम जय राम राम सिया राम सिया राम जय Thank you.
तो अयोध्या से बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है सभी को और बस यहां तशरीफ लाने ही वाले हैं प्रधानमंत्री। कुछ ही लम्हों का इंतजार बाकी है। अयोध्या एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का शानदार इस्तकबाल किया और अब शुभ मुहूर्त में बस तकरीबन एक घंटे का वक्त बाकी। अयोध्या से हमारे साथी करण जयसिंह लगातार बने हुए हमारे साथ। करण, राममय हो चुका है पूरा माहौल और जो मेहमान खास यहाँ पहुंच रहे हैं उनका कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे किसी देवलोक में आ गए हों वो। आप बताइए, आप तो खुद वहां करण मौजूद हैं और खुशकिस्मत है आपके इन सब चीजों को अपनी आंखों से सीधे देख पा रहे हैं, आप बताइए किस तरह का एहसास हो रहा है अभी? मुमता, सही कहा आपने, सौभाग्यशाली हूं मैं कि इस पल को देख पा रहा हूं और साक्षात यहां पर मौजूद हूं। और जिस तरह से आपने कहा कि लोग जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम स्वर्ग में आ गए हैं क्योंकि अयोध्या नगरी को इस तरह से सजाया गया है, इस तरह से सजावट की गई है कि दुनिया में विकास की बात हो रही है अयोध्या की। और अभी क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, वीआईपी का जाना जो है वो लगातार जारी है, लगातार जो वीआईपी हैं वो अयोध्या में पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आरंभ होगा, शुरू होगा। और अब क्योंकि धर्मपथ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तमाम जो यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं उसका भी लोग आनंद ले रहे हैं। देखिए कितनी भीड़ जो है वो दिखाई दे रही है क्योंकि तरह तरह के आयोजन, तरह तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े जो आयोजन हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अब क्योंकि कुछ ही समय बचा है उस इतिहास के पल को देखने का, कुछ ही समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे क्योंकि तमाम जो लोग हैं जो दूर दूर से पहुंचे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तमाम प्रदेशों से, तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कोई कई किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा है, कोई साइकिल यात्रा कर पहुंचा है, कोई युवक जो है वो स्केटिंग कर पहुंचे हैं। और अलग अलग रंग राम भक्तों के हमने देखे हैं, लेकिन अब वो क्षण करीब है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और सभी लोग उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है करण, बेहद खुशी का आज दिन है और उस घड़ी का इंतजार है जिसके लिए तकरीबन 500 सालों तक इंतजार किया गया। लोगों में जश्न का माहौल है, चारों तरफ राममय हो चुका है माहौल, सभी खास मेहमान भी यहाँ पहुंच चुके हैं, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है, कुछ ही लम्हे में वो भी यहाँ पहुंचेंगे। शुभ मुहूर्त का जो वक्त तय किया गया है जिसमें तकरीबन 1 घंटा 1 मिनट और 33 सेकंड का वक्त बाकी है, उस दौरान मंदिर के गर्भगृह में ही प्राण प्रतिष्ठा का खास आयोजन किया जाएगा। करण, उस वक्त जान सकते हैं किस तरह का माहौल रह सकता है, कैसी तस्वीरें होंगी, गर्भगृह में कौन कौन मौजूद रहेगा उस वक्त? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार गर्भगृह में सिर्फ 5 ही लोगों को जाने की अनुमति है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस संघ प्रचारक जो है मोहन भागवत, आनंदीबेन पटेल। Shoot up.
शपथ।